अरे देख, यही घर है ना? यही है। चलें? एक मिनट रुक, जो सामान कहा था। अरे ये बैग में सामान ही तो है यार, और क्या है। लेकिन सुन, किसी को शक नहीं होना चाहिए। चल। अभी कौन आया? तुम लोग अभी अचानक? मेहमान अचानक ही आते हैं। लगता है तुम मेहमानों को देख के खुश नहीं हो। ऐसा नहीं है। तो मेहमानों को अंदर बुलाओ। अभी नहीं, वो है अंदर, अभी जाने वाली है। तब तक तुम लोग बाहर इंतजार करो। ठीक है भाई। राहुल। हाँ सुनो, मैं जा रही हूँ, खाना माइक्रोवेव में रखा हुआ है, गर्म करके खा लेना। ओके? ठीक है, बाय, जल्दी आना। आ जाओ। बैठो वहां पे। बड़ा डर हो गया यार तू, हमें बाहर ही खड़ा कर दिया तूने। अरे डरता नहीं हूं मैं, बट एटलीस्ट बताना तुझे आने से पहले। ऐसे ही आ गए अचानक तुम लोग। बता के आते तो क्या करता, हमारे आने से पहले हमारी ड्रिंक में जहर मिला देता। अरे भाई दोस्त हूं तुम्हारा, जहर क्यों मिलाऊंगा तुम्हारे ड्रिंक में? तू सामान निकाल यार। अरे ये क्या है सब, ये ड्रिलिंग मशीन? क्या प्लान है तुम लोगों का? अब भी पता चल जाए। हा? क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पकड़। क्या चल रहा है तुम लोगों का? कोई कुछ बोलेगा भी? मैं बोल रहा हूं ना, वहां पे कुछ नहीं है, कुछ मत करो। वहां पे ड्रिलिंग मशीन लगा। वहां पे कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं। अरे यार मैं बोल रहा हूं ना, वहां पे कुछ नहीं है, कुछ मत करो वहां पे। क्या है ये सब? ये तो हमें तुम बताओगे ना मिस्टर राहुल कि क्या है ये सब। भाई तुम्हारे घर की दीवार में क्या कर रहा है? दोनों के दोनों चुपचाप से निकल जाओ, दोनों मारे जाओगे। मैं अगर मरा तो तुम दोनों का साथ लेके मरूं। तुम लोगों में से कोई बचेगा तो किसी को मारोगे ना। हे समीर, कांग्रेट्स। थैंक यू। रिया। हाय रिया, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? फाइन फाइन। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू वेरी मच। बाय द वे, टीना कहाँ है? टीना? हाँ टीना आ रही है। ओहो टेंट्रम्स, हाँ सॉर्ट ऑफ। सीरियस। मुबारक हो माणिक, शादी की वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच संजय भाई, थैंक यू। एक मिनट, तुम्हारी ये हथेली आज कुछ कह रही है माणिक। अद्भुत माणिक। अद्भुत क्या संजय भाई? मुझे क्या बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं संजय भाई? पैसे नहीं मिलने वाले हैं, बल्कि मुसीबत आने वाली है। अरे संजय भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बातों को हल्के में मत लेना, सीरियसली लो, मैं बता रहा हूँ, वरना बहुत पछताओगे। वो सब पछताना वस्ताना छोड़िए। देर कर दी ना। वैसे किसी परी से कम नहीं लग रही हो तुम। यही तो खास बात है तुम्हारी, तुम मेरी तारीफ करना कभी नहीं भूलते। कैसे भूल सकता। हाँ, जरूर। Hey, hi. Oh my God. Happy anniversary. Thank you so much. Thank you. Happy anniversary, Tina. अरे just a second. It's okay. Thank you, संजय जी. एक मिनट, कुछ खास दिख रहा है आपके हाथों में मुझे। Oh my God. ये क्या है? क्या बात है? लगता है कुछ खास देखने को मिली है आज आपको मेरे हाथों की रेखाओं में। इतना खास दिखा है टीना कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। बता नहीं सकते? मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ में वो दो कहाँ है अभिषेक? एक मिनट, मैं अभी आया। अरे पर एक मिनट। देखो अभिषेक, बार बार बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं। मैं फोन रख रही हूँ। बाय। हाय। इस नाचीज को संजय कहते हैं, संजय कुमार। आपकी ये हथेली कुछ कहना चाहती है। Hey. Oh. Happy anniversary भाई। Thanks दीपक, thanks। लेकिन तूने इतनी देर क्यों की? मुझे लगा तू आएगा ही नहीं। तू बुलाए और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? Exactly. चल आजा, तुझे नया कुछ पिलाता हूँ, आजा। वो सब छोड़ो, तुम्हारी ड्रेस बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। Thank you so much. समीर ने गिफ्ट किया है। Nice choice, समीर। अच्छा, पता है दीपक, वो मालेगांव वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक सेकेंड, मैं अभी आया। हाँ श्योर। हाँ, मैं इस वक्त नहीं आ सकता, मैं अपनी एनिवर्सरी की पार्टी में बिजी हूँ। देखो, तू मेरी एक बात समझो, टीना को इस बारे में कुछ नहीं पता है और उसे कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अब मानिक, सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है डियर, सब ठीक है, थोड़ा सा टेंशन है। तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो? जी। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आया। पर आप जा कहाँ रहे हैं? अभी आया। मानिक प्लीज 5 मिनट में आया। वो निकल गए। कहाँ है ये घर? इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। अरे भाई साहब, ये प्लॉट नंबर 36 कहाँ पड़ेगा? वो पहला वाला। हाँ वो पहला वाला। अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। कहाँ रह गया यार ये? समझाओ उसको। अरे क्या समझाओ उसको, तुम्हें तो सब पता ही है। मुझे कुछ नहीं मालूम है। अरे बहुत समझाया, अब नहीं मानती तो क्या करूं? अरे ऐसे कैसे नहीं मान रही है, समझाओ ठीक से। वो छोड़ो, वो अभी तक गई नहीं है। क्या? हाँ, और यहाँ कभी भी आ जाएगी। क्या करूं अब? क्या करूं? अरे तुम सब बाहर इंतजार करो। देखो अब। अरे ये क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो। तुम हो कौन वैसे? तुम तो पार्टी में थी। तुम यहां कैसे? अरे रुकिए, क्या करिए आप? कौन है? मैं वही हूँ जिसने आपको यहाँ पर फोन करके बुलाया है। चलिए मेरे साथ। कहाँ चलना है? आप चलिए मेरे साथ, ज्यादा सवाल मत पूछिए। अरे मगर हुआ क्या है? आप बहुत सवाल करते हैं, आप बस चलिए। देखिए हम चलने से मना नहीं कर रहे हैं मैडम, लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए कि क्या हुआ है। अगर आप सुन लोगे ना कि क्या हुआ है तो यहीं पे चक्कर खा के गिर जाओगे। आप बस मेरे साथ चलिए। अरे लेकिन कम से कम आप ये तो बताइए हम लोग जा कहाँ रहे हैं। अरे यही तो है मेरा घर, आइए। अरे आपके घर में? हाँ इसीलिए तो आपको यहाँ पर बुलाया है। अरे लेकिन आपके घर क्यों जाना है भाई? अरे आप सवाल बहुत करते, इतने जिद तो ना बच्चे भी नहीं करते। चलिए आप मेरे साथ। आप छोड़िए, चलिए चलिए। हाँ आइए जल्दी। ये रहा मेरा घर, देखिए ये देखिए ये देखिए, क्या हाल कर दिया उन लोगों ने मेरे प्यारे से घर का। आप ये दिखाने के लिए आए ये दीवार की उतरी पपड़ी? भाई ये सारा नुकसान उस बगल वाले घर की वजह से ही तो हुआ है। बराबर वाले घर में क्या हुआ और आपकी दीवार से क्या लेने देना? आप जरा ठीक से बताइए क्या बात क्या है। देखो तुम सब कर रही हो, ठीक नहीं कर रही हो, मैं बोल रही हूं ठीक नहीं कर रही हो। देखो तुम मेरी बात को फिर से नींद खराब कर दी, हद हो गई। इतनी रात को भी तमाशा लगा रखा इन पड़ोसियों ने। उठो, मैं कहती हूँ उठो। क्या सोने दो ना। आपको तो बस अपनी नींद की पड़ी है, यहाँ पर मेरी नींद उड़ गई है उसकी कोई परवाह नहीं है आपको। छोड़ो रहने दो, मैं ही जाकर देखती हूँ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। अरे रुको ना। तो मैं छोड़ू ही नहीं। किसी के झगड़े में टांग अड़ाती हो। तो आप वो बाजू वाले घर में गई कि नहीं? हाँ गई थी ना, पर वो तो सुनसान पड़ा है। और जब तक हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा एक औरत वहाँ से भाग रही। उस औरत का चेहरा देखा था? नहीं देख पाई ना, बहुत अंधेरा था वहाँ पर। इस वक्त कहाँ है आपके पति? वो वहीं पर उस सुनसान वाले घर के सामने खड़े हैं। अरे तो आपको सीधा वहीं लेके जाना चाहिए था ना। लो कर लो बात, अगर मैं सीधे वहीं पर ले जाती तो ये जो हमारा नुकसान हुआ है ये मैं आपको कैसे दिखा पाती बताइए। और जरा उनको कुछ समझाइए, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहते। अब ऐसी पत्नी होगी तो पति की बोलती तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। क्या कहा आपने, फिर से कहिए। नहीं नहीं मैं तो बस ये कह रहा था कि आपके पति को आपका साथ देना चाहिए था ना। मैं तो उनको समझा समझा के थक गई हूँ, लेकिन वो है कि उनके दिमाग में कुछ आए तब ना। नहीं हम समझा देते हैं ना। आप चलिए जरा दिखाइए वो घर, दिखाइए आइए। देखिए ये रहा वो घर। कितनी गोलियाँ चली थी? शायद 2 गोलियों की आवाज थी। और सर देखिए वो रहे मेरे पति। देखा कैसे कोलू के बैल की तरह मुंह नीचे लटका कर खड़े हैं। अरे कुछ समझाइए इनको। एक मिनट आप जरा। भाई साहब मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। क्या कह रहे थे ये आपसे कान में? ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। माय गॉड। अंकल क्या फोरेंसिक कर ले क्या? उन्होंने सीधे छाती पे मारी गई है। वो औरत तो कह रही थी कि 2 गोलियां चली हैं। सर कहीं उन्हें धोखा तो नहीं हुआ? हो सकता है एक गोली चूक गई हो और कहीं और लग गई हो। खूनी ने शायद गोली यहाँ से चलाई होगी, यानी कि दूसरी गोली उस दीवार पर। ये रही। सर एक गोली निकालो जरा। ये सर। हाँ ये पर्स मिला है, ये पर्स में पैसे, क्रेडिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ है। मानिक नाम है इसका, बिरजू नगर में रहता है। सर लगता तो नहीं है कि खून पैसों की वजह से हुआ है। पर्स इधर था? हाँ सर, इधर। अजीब बात है, पर्स जेब में होने के बजाय यहाँ बाहर पड़ा था। शायद खूनी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था और फिर जाते जाते जमीन में फेंक कर निकल गया। सर मगर कैसे पता चलेगा कि खूनी को जो चाहिए था वो उसे मिला या नहीं? सवाल मुश्किल है, लेकिन इसका जवाब मानिक के घर में ही मिलेगा, बिरजूनगर। अरे दरवाजा तो खुला। सर लगता है इस मोहल्ले में कभी चोरी नहीं होती है। आ जाओ आ जाओ। बड़ा अजीब घर है सर। आप कौन है? कौन मतलब? इस घर का मालिक। पर इसका मालिक तो मानिक था ना? उसने मेरा कर्जा नहीं चुकाया, इसलिए अब यह घर मेरा है। कितना कर्जा कितना था? पूरे 30,000। पूरे 30,000 रुपए? और इतनी बड़ी रकम वो लौटा नहीं पाया, तब तो कब्जा बनता है। तुम लोगों का कोई पुराना हिसाब किताब बाकी है क्या मानिक से? पुराना नहीं, नया हिसाब है। उसके खूनी के साथ मानिक का खून हो गया है। पता था? पता था। कैसे? मतलब जो आदमी अपनी एनिवर्सरी पार्टी छोड़ के जाएगा वो मरेगा नहीं तो और क्या होगा? किसी को बताया तक नहीं कि कहाँ जा रहा है। उसकी पत्नी ने नहीं देखा? उसकी पत्नी, उसकी पत्नी टीना। मैंने हाथ पड़ा है उसका, 2-2 लव लाइन से उसके हाथ में। और मानिक के जाने के बाद वो भी 9-11 हो गए। आप हाथ पढ़ते? हाँ पढ़ता हूँ। बताइए अजीब लोग हैं। हम मेहमानों को यहाँ घर में छोड़ करके निकल लिए। कैटरिंग का बिल भी ना मुझे भरना पड़ा। दोनों को कितना फोन किया पता है? मानिक भाई साहब का तो फोन ही बंद है और टीना मैडम ने फोन ही नहीं उठाया। लगता है आप काफी करीबी दोस्त हैं उनके। दोस्त क्या, पड़ोसी हूँ, सामने के बंगलों में रहता हूँ। अच्छा आपके पास टीना का नंबर है तो दीजिए। एक सेकेंड। अरे 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 हाथ छोड़िए, मुझे हाथ-वाथ नहीं दिखाना। हम लोग एक केस की तहकीकात। रिलैक्स, मुझे पता है आपका हाथ काफी बड़ा है और आप बहुत बिजी हैं, लेकिन मैं भी एक्सपर्ट हूँ, टाइम नहीं लगेगा, तुरंत देख लूंगा। ए भगवान क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया आप? तुम नहीं जानोगे ना तो तुम्हारे लिए अच्छा है। अरे बताइए तो सही क्या देखा आपने? क्या बताऊं? तुम ना ये खून खराबा ही सुलझाते रहो जिंदगी में। मतलब तुम्हारे हाथ में शादी का योग है ही नहीं। बहुत बड़ी अड़चन है, एक प्रॉब्लम है जो शादी होने से रोक रही है, पता है? अब ये हाथ-वाथ देखना छोड़ दो और ये बताओ कि इस टीना का फोन नंबर है या उसके गाड़ी का नंबर जानते हो आप? हाँ है ना, मेरे सेल में है। जी हाँ, अच्छा मानिक की मौत से पहले किसी विक्रम का फोन आया था उसे। ओके, और ये विक्रम रहता कहाँ? किसने कहा औरतों को ज्यादा टाइम लगता है? मैं तो तैयार हो गई। सारिका तुम ये सब अकेले कर पाओगे ना? अरे आप इतना घबरा क्यों रहे? पहली बार अकेले भेज रहा हूँ ना, इसीलिए। तो आप बताइए मैं जाऊँ या नहीं? नहीं नहीं तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। चलो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूँ। अब सुनो, तुम वहाँ पहुँच के ही पहले मुझे फोन कर देना। जी। तुम चली जाओगी ना अकेले? अरे बाबा इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप बस मुझे बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए, वहाँ से मैं चली जाऊँगी। देखो तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है चलो मैं छोड़ देता। जी हो रही टीना की कार। श्रेया जरा टीना को फोन लगा। घंटी तो बज रही है, फोन का यहीं आसपास है। पंकज पंच गाड़ी चेक करो। हाँ सर। ये रही फोन, ये देखो। लगता है ज्यादा वक्त नहीं हुआ से यहाँ आए। ये देखो फोन में बैटरी काफी बची हुई है। सर इसका मतलब शायद टीना को किसी ने जबरदस्ती यहाँ से उठा लिया है, तभी उसका फोन यहाँ गिरा हुआ है, गाड़ी ऐसे खुली पड़ी हुई है। और जो उसे यहाँ से जबरदस्ती लेकर गया उसी ने उसे कॉल करके यहाँ पे बुलाया भी होगा। और लिस्ट खाली है। शायद उसी ने डिलीट कर दी हो सकता है। एक काम करो, मोबाइल कंपनी से टीना की कॉल लिस्ट मंगवा लो। यस सर। और ये भी पता करने की कोशिश करो, जब से ये फोन यहाँ पे पड़ी है ठीक उसी समय यहाँ पे और किसका मोबाइल एक्टिव था। सर अरे खटखटाने से पहले ही खोल दिया, किसी का इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस एक कचरा बाहर रखने के लिए दरवाजा खोला था। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? क्यों सर, क्या हो गया यहाँ? ऐसे कैसे? कुछ नहीं, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपके यहाँ नाश्ता कर ले। आप सब लोग यहाँ नाश्ता करने आए हो? मानिक को क्यों मारा? क्या मानिक? मानिक मर गया? सर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, ऐसे कैसे सर? ये सीआईडी की तहकीकात है, तुम फायदे में रहोगे अगर सच बताया, समझे? सर मैंने झूठ कब बोला आप लोगों से? मानिक को मरने से पहले आखिरी कॉल तुमने किया था कल रात 8 बजे, समझे तुम? मैंने फोन किया था, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं था कि उसने शादी कर रखी है और शादी की सालगिरह है। तो क्या सिर्फ मुबारकबाद दी या और भी कुछ बातें हो गई तुम्हारे बीच में? बस सर मैंने कहा मिलते हैं, तो उसने कहा नहीं मैं तो शादी की सालगिरह की पार्टी में हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, पर उसने मना कर दिया सर। मना कर दिया? क्यों? पता नहीं सर, उसके मुकाबले तो मैं बहुत गरीब हूँ, इसीलिए उसको लगा होगा कि उसकी पार्टी में अगर मैं आ जाऊँ तो उसकी बेइज्जती ना हो जाए, इसीलिए शायद। कहीं इसी अपमान का बदला लेने के लिए तो तुमने उसे? नहीं नहीं, ये क्या बोल रही है आप मैडम, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं उसे कोई नुकसान कर दूँ। एक मिनट सर। हाँ क्या हो गया सर? ये टीना की फोटो तुम्हारे घर में कैसे? हा? टीना कौन? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें मालूम नहीं कि मानिक की शादी हो गई है, फिर उसकी बीवी के साथ फोटो क्यों खिंचाई तुमने? आप लोग सीआईडी से, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलते रहेंगे। सर ये मेरी पत्नी है, इसका नाम है सारिका। फेंकने की भी हद होती है भाई साहब, ये तुम्हारी बीवी सारिका नहीं है, ये मानिक की बीवी टीना है। टीना? हद तो आप लोग पार कर रहे हैं, पहले कहा कि मैं खूनी हूँ, आप बोल रहे कि मेरी पत्नी नहीं है, सारिका है मेरी पत्नी है, क्या चल रहा है ये सब? देखिए ये देखो, ये टीना है। सर ये सारिका है, और इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने? फोटो ही कब खिंचवाई थी ऐसे? कहीं इसने 2-2 शादियां तो नहीं कर ली अलग अलग नामों से? बस बहुत हो चुका, अब आप लोग एक शब्द भी कहा ना बीवी के बारे में तो मैं भूल जाऊंगा आप लोग सीआईडी से। बस सर मेरी पत्नी सारिका बहुत ही शर्मीली है, पहली बार वो घर से अकेले बाहर गई और ये बोलने की 2-2 शादियां कर रखी है उसने। तुम्हारी शादी की फोटोग्राफ दिखा। अभी दिखाता हूँ। ये देखिए सर, अब तो आपको यकीन होगा ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। बुलाओ सारिका को। सर आप लोग थोड़ी देर पहले आते तो मैं जरूर मुलाकात करवा देता। वो सुबह की बस से गांव गई। कौन से गांव? खुलिया गांव। खुलिया गांव। ये देखो कहाँ से अकेली चली आ रही है। रुको मैं पूछती। हाँ हाँ पूछो पूछो। क्या हुआ अकेली आ रही हो? नहीं नहीं, पूरे मोहल्ले को साथ में लेकर आई हूँ, दिखता नहीं अकेले हूँ। अरे फिर इतना क्यों चिढ़ रही है? ऐसे क्या पूछ लिया मैंने? देखो अपने काम से काम रखो, समझे? अरे इतना क्यों तेवर दिखा रही है? सीधा सा सवाल पूछा था मैंने। समझ में नहीं आओगे ना मैंने क्या कहा, अभी समझाती हूँ। अरे क्या कर रही हो? दिमाग क्या कर रहा भाई? देख के चलना। अरे यार देख के तो चल रहा हूँ, मुझे क्या पता सामने से इतना मोटा आदमी आ रहा है। तो मोटा किसको बोल रहा? क्या कर सर? सर आप हंस रहे, सर उसको कुछ बोलिए तो सही। जाने दो पंकज, माफ कर दो, बच्चा है। दया सर ने बोला ना इसलिए छोड़ दिया। जहाँ से आज का दिन ही खराब है, एक तो वो अजीब आदमी और ऊपर से तुम। एक मिनट, अजीब आदमी मतलब? सर मैं तो कुरियर देने आया था, जैसे दरवाजा खटखटाया दरवाजा भी ठीक से खोला नहीं और बाहर आने में हिचकिचा रहा था, और तो और सर ठीक से साइन भी नहीं किया। ठीक से साइन नहीं किया? जी सर, और सर घबरा रहा था। ठीक है पता कर लेंगे, तुम जाओ। थैंक यू। सर, बड़ा वक्त लग रहा है दरवाजा खोलने में। अरे रे, क्या कर रहे हैं? थोड़ा सबर करो, दरवाजा तोड़ोगे क्या? दरवाजा खोलो। क्या काम है? मैंने कहा दरवाजा खोल। अरे अब अरे तो लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी हो रही है। आप लोग प्लीज पुलिस को मत बताना प्लीज। नहीं, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग सीआईडी से हैं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सर मैंने खून नहीं किया सर। तो फिर दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा रहे थे और इस खून के बारे में पुलिस को खबर कर देते? जब मैं घर में घुसा तो पहले से लाश पड़ी थी, ये समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। सर ये तो विक्रम है, टीना उर्फ सारिका का पति। सर पटूस है, गोली सीधे पीठ पे मारी है। सर समझ में नहीं आ रहा, विक्रम ने मानिक को फोन करके पार्टी से बुलाया और अब किसी ने इसे ही मार दिया। लगता है आप लोग उसको पहले से जानते हैं। जिस आदमी की लाश तुम्हारे घर पे पड़ी है तुम उसे नहीं जानते? ये लाश क्या खुलिया से आई है? सर मुझे नहीं मालूम ये लाश कहाँ से है सर, मुझे कोई फंसाना चाहता है सर। कौन फंसाना चाहता है तुम्हें? किसी पिछा के? सर मेरा तो कोई दुश्मन भी नहीं है सर। कमाल है, तुम्हारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और कोई तुम्हें फंसाना भी चाहता है। टीना को जानते हो तुम? हाँ जानता हूँ ना सर, टीना कुमार ना सर, मेरी फेवरेट हीरोइन है। ए, फिल्म स्टार की बात नहीं हो रही है, ये लड़की, इसको जानते हो क्या तुम? नहीं सर, मैं नहीं जानता इसको। चल बेटा, तेरी याददाश्त को ना जरा चमकाने की जरूरत है, तो हमारे साथ चल, धीरे धीरे याददाश्त वापस आ जाएगी। चल सर प्लीज सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। इनके पति का खून हो गया, आपको पता है ये कहाँ है? हे भगवान, सारिका विधवा हो गई। चलो भाई, कम से कम ये तो पता चला कि ये सारिका है, टीना नहीं। ये सारिका आज गांव आई थी ना? हाँ हाँ, और मेरे साथ अजीब सा बर्ताव भी कर रही थी। अजीब सा बर्ताव मतलब? मैंने तो सिर्फ उसको हालचाल ही पूछा था। आप ही बताइए, उसको ऐसे मेरे साथ बदतमीजी करनी चाहिए थी क्या? मगर साहब ये राहुल का खून हुआ कैसे? एक मिनट, राहुल? ये राहुल कौन है? अभी तो आपने साहब कहा ना कि सारिका के पति का खून हो गया। देखिए, सारिका के पति का नाम राहुल नहीं विक्रम है। फोटो दिखाओ, ध्यान से देखिए। नहीं नहीं साहब, गलतफहमी आपको हो रही है, ये राहुल नहीं, ये तो कोई और आदमी है। हाँ। अच्छा जरा इस फोटो को देखें, इसको देखा पहले कभी? अरे साहब हम इसे भी नहीं जानते। अरे आप किन किन लोगों का फोटो दिखा रहे हैं हमें? उनके जिनके खून हुए हैं, ये दोनों सारिका के पति थे। हे भगवान, मतलब तीन शादियां की सारिका ने और 2 पतियों को मार भी डाला। मैं ना कहती थी कुछ अजीब सा ही व्यवहार कर रही है ये लड़की। अरे कहीं तो उसने अपने तीसरे पति को भी तो नहीं मार दिया? अच्छा ये जो तीसरा पति है राहुल, ये कहाँ रहता है? सर सारिका और टीना को तो अवार्ड मिलना चाहिए, 3 शादियां कर रखी हैं, लेकिन एक भी पति को दूसरे पति के बारे में भनक तक नहीं लगने दी। और फिर पतियों के खून होते जा रहे, बहुत गहरी चाल खेल रही है ये टीना, सारिका जो भी है वो। अरे बाप रे, इसके मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। साहब नमस्ते, कौन है आप? सीआईडी। सीआईडी? तो तुम राहुल हो? नहीं, मैं तो जुगनू, राहुल का छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा भाई। नन्ना मुन्ना इतनी शराब पीता है? वो तो बस कभी कभी, लेकिन आप लोगों को मेरे भाई राहुल से क्या काम है? सारिका जो है वो यहाँ पे आई है क्या? नाम मत लो उस औरत का। क्यों, क्या किया उसने तुम्हारा? सर उसने मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दी। ऐसा क्या किया उसने? जिस दिन से इस औरत ने इस घर में कदम रखा था ना, मैंने कहा था, लेकिन क्या साहब, लेकिन मेरे भाई ने मेरी एक भी नहीं सुनी, मुझे थप्पड़ मारा और बोला भाभी है तेरी, उसके बारे में उल्टा सीधा मत बोल, और मेरे भाई ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। सर मैं आपको बोलता हूँ कि ये सारिका अच्छी औरत नहीं है। इस औरत की वजह से मैंने शराब पीना शुरू कर दी। बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ भाई को बुलाओ जरा। नहीं वो तो यहाँ नहीं है। कोई फोटो वोटो है इसके तुम्हारे पास? हाँ है, एक मिनट। कमाल के ठीक से चल भी नहीं पा रहा, इतनी शराब क्यों पिता है? ये मेरा भाई राहुल लाखों में एक था, लेकिन इस सारिका के चक्कर में अनमोल हीरे से पत्थर बन गया। अब कहाँ रहता है? वो तो नहीं पता मुझे, जिस दिन से गया वापिस आया ही नहीं। लेकिन साहब वो सारिका आई थी यहाँ पर, लेकिन मैंने उसको अंदर घुसने ही नहीं दिया, भगा दिया उसको। सारिका आई थी यहाँ पर क्यों? कुछ बताया उसने? मुझे क्या करना था जान के, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। अच्छा कभी विक्रम और मानिक का नाम सुना है? खोले ये लोग। ये देखो ये विक्रम है और ये है मानिक। उन्हें देखा इन दोनों को? नहीं, लेकिन ये है कौन? सारिका के दो और पति। तब पता था मुझे ये औरत सही नहीं है साहब, इसके 3-3 पति है साहब। मैंने हाथ पड़ा है उसका, 2-2 लव लाइन से उसके हाथ में। तुम्हारा भाई राहुल करता क्या है? साहब एक शर्त पे बताऊंगा आपको। ऐसी शर्त? कहीं हमसे बोतल तो नहीं चाहिए तुम्हें? नहीं, लेकिन साहब मेरी एक शर्त ये है कि आप उसको गिरफ्तार नहीं करोगे। क्यों? उसने कोई गैर कानूनी काम किया है क्या? साहब मेरा भाई अच्छा था, लेकिन वो सोने की तस्करी करता था साहब, लेकिन मेरा भाई दिल का बहुत साफ था, एकदम नेक था वो। कितना नेक आदमी ये तो अब राहुल ही बताएगा। अभिजीत, इस राहुल से कब, कहां और कैसे मिलना है ये तो अब दीपक ही बताएगा। दीपक, राहुल विक्रम और मानिक के बारे में कुछ नहीं जानते? मैं कब से बोल रहा हूँ सर, मैं नहीं जानता। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अगर तुम मानिक को जानते ही नहीं हो तो उसकी पार्टी पे कर क्या रहे थे तुम? वो एक मिनट, आपने क्या नाम लिया सर? मानिक सर, शायद सुनने में गलती हो गई थी मेरी सर। मानिक को तो मैं जानता हूँ। राहुल और विक्रम, उनके बारे में क्या जानते हैं? मेरा यकीन कीजिए सर, मैं इन दोनों को ही नहीं जानता। अगर तुम विक्रम को नहीं जानते थे तो विक्रम की लाश तुम्हारे घर पे क्या कर रही थी? सर जब मैं घर में जब घुसा तो लाश पहले से ही वहाँ पर पड़ी हुई थी। पहले से ही पड़ी हुई लाश को छुपाने की कोशिश क्यों की तुमने? मैं डर गया था सर, मेरे घर में लाश रखी थी सर, मैं फंस जाता। मैं फंस ना जाऊं इसी डर से मैं लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। एक मिनट के लिए मान लेते तुम सच कह रहे हो। सर मैं जाऊं सर? सिर्फ 2-4 सवाल और बस। नाश्ते में क्या खाया था? ये कैसा सवाल है सर? जवाब दो, बोलो क्या खाया था? आलू के पराठे। मानिक की पार्टी में क्या खाया था? याद नहीं सर। टीना तो याद होगी, मेरा मतलब है सारिका, उसने कौन सा ड्रेस पहना था पार्टी में? ये भी याद नहीं सर। आखिरी बार अपनी माँ से कब मिले थे? 2-3 दिन पहले। क्या खिलाया था उन्होंने? पूरन पोली। वैसे विक्रम को भी पूरन पोली पसंद थी ना? अरे नहीं सर, वो तो चिकन के अलावा कुछ खा। क्या बात है सर, अभी तो कह रहे थे कि विक्रम को जानते भी नहीं, पर इन्हें ये पता है कि विक्रम को खाने में क्या पसंद है। वाह। नहीं सर, मैं विक्रम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं उस विक्रम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ सर, दूसरे विक्रम के बारे में। कौन दूसरा विक्रम? मेरा कॉलेज का दोस्त। तो अक्सर उससे मिलते होंगे? जी हाँ, अभी संडे को मिला था ना, हम लोग फिल्म देखने गए थे सर। तो फोन लगाओ, हम भी बात करना चाहेंगे दूसरे विक्रम से। क्या हुआ भाई? अपने दोस्त को फोन करने के लिए कहा तो हड़बड़ा गए? कोई दोस्त होगा तो फोन करेगा ना फ्रेडी। कॉलेज का दोस्त विक्रम। सर प्लीज सर माफ कर दीजिए सर, मैंने झूठ बोला सर आपसे। तो फिर सच बताओ, बताओ सच। मानिक, राहुल, विक्रम तीनों को जानता हूँ सर मैं। हम चारों सोने की तस्करी में पार्टनर थे और सोने की लालच में तुमने विक्रम और मानिक दोनों को मार डाला, है ना? नहीं नहीं सर, नहीं सर, कसम से सर, मैंने खून नहीं किया सर। तो फिर तुम्हारा तीसरा पार्टनर राहुल कहाँ है? बताओ जल्दी। मर गया सर। कैसे मर गया? मार डाला सर, मैंने और रघु ने मिलकर मार डाला। सर मैंने जो कुछ भी किया सर, रघु का कहने पे किया सर, वही मेरा बॉस है सर। कहाँ मिलेगा रघु? पता नहीं सर, सारिका को लेकर कहीं चला गया। कहाँ लेकर गया? पता नहीं सर। पता नहीं हाँ? तो फिर लगाओ फोन रघु को। ये दीपक भी पता नहीं कहाँ रह गया। अब तक तो इसे आ जाना चाहिए जरूर। या तो ये सो रहा है या तो ये क्रिकेट मैच देख रहा है। अरे लगता है आ गया। क्या दीपक, ये कोई टाइम है आने का? मुझे लगा तो मुझे बोला कि आने नहीं वाला है। और ये कैसे कपड़े पहने? मैं क्रिकेट मैच देखता नहीं, खेलता हूँ। बता, 2020 खेलेगा या टेस्ट मैच? मुझे तो क्रिकेट का शौक भी नहीं है। शौक के छक्के मुझ पे क्यों उड़ा रहे हो? टीना कहाँ है? कौन टीना? सारिका। हाँ, बता तो। तुम देखने कर रहे हो? बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इसकी। मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी? अरे मुझे तो इसकी कीमत मिली है, और ऐसी कीमत जिससे मैं रातों रात अमीर हो गया। धोखा दिया तुमने मुझे। जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। अरे जिंदा बचेगी तो ही छोड़ेगी ना मुझे। टीना, तुम्हारे पास चंद सांसें हैं बस। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें इतनी आसान मौत दे दूंगा? अरे अभी तो तेरे साथ खेलूंगा, तुम्हें तड़पाऊंगा। अरे विलन जो हूँ। चल 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 फिर से ट्राई करते हैं। चल, मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे वाह, दोबारा बच गई। किस्मत बड़ा साथ दे रही है तुम्हारा, लेकिन मैं भी देखता हूँ कब तक किस्मत साथ देती है तुम्हारा। नहीं प्लीज प्लीज रीमा सुनो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, प्लीज प्लीज। ना गोली किसने चलाई मुझ पे? तुम्हारे बरातियों ने। हर मुजरिम की बारात बहुत धूमधाम से जेल लेके जाते हैं सीआईडी वाले। अब हमारा स्टाइल भी देख लो फिर। राहुल, विक्रम, मानिक और मैं पार्टनर्स थे। उन तीनों ने मिलकर धोखा दिया क्योंकि सारा सोना अकेले हड़प जाना चाहते थे वो। इसलिए सोने तक पहुंचने के लिए मैंने टीना को बेवकूफ बनाया। उससे पता है कि तुम्हारा पति कहाँ है, ये सिर्फ मानिक और विक्रम ही जानते हैं। मगर हाँ, अगर तुम्हें उनसे सब कुछ सच जानना है तो तुम्हें उनका विश्वास जीतना होगा। इसीलिए टीना ने दो शादियां भी की, एक विक्रम से और एक मानिक से, ताकि वो उनका विश्वास जीत सके और उनके जरिए अपने असली पति तक पहुंच सके। टीना के जरिए वो सोने तक पहुंच गए, फिर क्या था, मार दिया इसके दोनों पतियों को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए। एक औरत की मजबूरी का ऐसा फायदा उठाते हो। अब तो बता दो मेरा पति राहुल है कहाँ? टीना, तुम्हारा पति राहुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस रघु ने मारा है उसने, रघु ने। ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा तुमसे तुम्हारा? क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? संभालो। सोना हड़पने के लालच में इन्होंने तुम्हारा तो फायदा उठाया, लेकिन उस बेचारी की जान भी ली। सर, शायद कहीं ना कहीं इसमें राहुल की भी गलती है, जो इन लोगों के साथ गैर कानूनी कामों में हाथ मिलाया। 1000 बार समझाया था, बुरे कामों का अंजाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। इनके कामों का नतीजा भी वैसा ही होगा, फांसी होगी इन लोगों को, फांसी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.